जय भारत। आज आपण एमआयटी कॉलेजजवळ आलोय, देऊ रस्ता, देऊ फाटा, आळंदी। आपण एमआयटी कॉलेजजवळ जेरॉक्सच्या दुकानात आलोय। सर आपल्याला देश कार्यात सहकार्य करत आहेत, त्यांचे आपण मत जाणून घेऊ। सर बताइए आपको क्या लगता है? जो आपने मुद्दे फिलहाल इसमें जो दिखाए गए मुद्दे एकदम सही है, परफेक्ट है। और ये मुद्दे अगर पूरे देश में एक साथ रहे, एक साथ इसी सभी लोग जो देशभक्त देशवासी हैं और इस मुद्दे को फॉलो करें तो यूनिटी दिखती है पूरे देश की, कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, किसी भी अपोजिशन में किसी से लड़ने के लिए, देश के लिए तो एक साथ खड़ा रहेगा। तो और सबसे बड़ी दूसरी बात, आप मातृभाषा हिंदी का यूज करिए या कोई भी भाषा का यूज करिए, पर ऐसा है कि सामने वाले को आप कन्विंस करें, जिस भाषा में अपनी देशभक्ति के बारे में, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति के बारे में समझा पाए, सबसे अच्छा वो भाषा यूज करिए। और अब ये ऐप के बारे में, ऐप के बारे में तो अच्छा, अपना इंडियन कोई ऐप बनेगा, अपना जो मनी बाहर जाता है विदेश दूसरे देशों में जा रहा है वो इंडिया में रहेगा। आपका अगर कोई ऐप बनाएंगे तो आप पैसा आपके पास आएगा, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। हम चाहते हैं मुद्दे एकदम सही है, बस इतना है कि इस मुद्दे को देशवासी फॉलो करें। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को फॉलो करें तीनों को, ताकि देश प्रगति और विकास की ओर बढ़े। मैंने जैसे देश के लिए सहकार किया, जो भी छोटी सी भी रकम है, तुच्छ सी रकम, अगर आप एक रुपए से लेकर 100 रुपए कितना भी देशवासी देश के लिए अगर दान करें, देश के एकता खंडन के लिए दान करें विकास के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि देश के लिए जो भी आपकी तरफ से बन पड़े, देशवासियों के लिए और देशभक्ति के लिए अपना सहयोग। धन्यवाद।